हाय फ्रेंड्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ए अनदर सक्सेस स्टोरी। एंड टुडे आई एम हेयर विथ प्रिंसी। शी इज क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग इन कोको कोला। शी गॉट हर फर्स्ट जॉब इन CMA कैंपस प्लेसमेंट। सो ये बहुत अच्छी बात होती है जब आपको आपकी फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट में मिलती है। बहुत एक्साइटमेंट होता है, खुशी होता है, फैमिली बहुत खुश होती है। एंड रिसेंटली प्रिंसी ने अपनी फर्स्ट स्कूटी भी बाई की है अपने फर्स्ट सैलरी से, आप कह सकते हो। सो हम डिस्कस करेंगे इंटायर सेशन में प्रिंसी की जर्नी। सो हाई प्रिंसी, हाउ आर यू? Hi Rohan, I'm good. And first of all, I want to say thank you for giving me this opportunity या कि मैं अपनी वेलकम। CMA जर्नी सबके साथ शेयर कर सकूं। सो प्रिंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने CMA स्टार्ट कैसे किया था? Okay, so basically, first of all, I completed my schooling जब मैंने 12th complete किया था। So, जैसे हर बच्चे की सिचुएशन होती है, वैसे मेरी भी सिचुएशन थी कि आगे करना क्या था। मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देखो, तीन कोर्स है जो हम कर सकते हैं। पहला था CA, CS और ये CMA था। सो बेसिकली CA और CS तो सबने सुना ही होगा, इवन मैंने भी सुना था कि हाँ, कुछ CA होता है और CS होता है करके। बट CMA जो था वो उस टाइम पे न्यू था। मतलब न्यू क्या, लोग अवेयर नहीं थे, अभी भी लोग नहीं है जितने होने चाहिए। तो हमने सोचा कि CMA करते हैं। तो CMA का उस टाइम पे तो मेरे को फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि CMA होता क्या है। तो फिर मैंने CMA के बारे में पता किया, देखा। तो मैंने चार चीजें नोटिस की CMA के बारे में। पहला तो CMA जो है वो इन कंपेयर विथ CA और CS थोड़ा स्पीडली कंप्लीट कर सकते हैं अपन। मतलब स्पीडली अगर हम करेंगे तो CMA हम 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ये था कि इन कंपेरिजन टू CA और CS, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम था। तो कंपटीशन जहां कम है वहां ग्रो करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने ये किया। और जो थर्ड रीजन था वो था कि CMA ना थोड़ा इकोनॉमिकल है। लाइक अगर हम बाहर पढ़ने जाते, जैसे कि DU हो गया, BHU हो गया, तो बाहर का जो रहने का खर्चा था वो बहुत ज्यादा था। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने थोड़ा उसमें भी सोचा कि अगर थोड़ा इकोनॉमिकल भी है, जल्दी भी कंप्लीट हो रहा है, कॉम्पिटिशन भी कम है, तो क्यों नहीं ट्राई करते। और जो फोर्थ चीज मेरे को मोटिवेट करी वो ये थी कि मैं बहुत क्यूरोसिक थी इन सब चीजों को लेके कि कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाई जाती है। जैसे बचपन में हम मैगी खाते थे, तो मैगी क्या होती थी उस टाइम पे, तो 5 रुपीज में आई जाती थी। तो मैं सोचती थी यार, ये मैगी 5 रुपीज में कैसे आ जाती है। मतलब इसमें तो रॉ मटेरियल भी लगा है, फिर इसको मैन्युफैक्चर किया गया होगा, पैकेजिंग भी होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके सेल भी कर रहे हैं, तो 5 रुपीज में कैसे ये मैगी बनती है। तो ये चार चीजें थी जिस रीजन से मैंने CMA ज्वाइन किया एज माय प्रोफेशनल करियर। सो वेन यू ज्वाइंट CMA योर फाउंडेशन इन विच ईयर? बेसिकली आई कंप्लीटेड माय 12th ऑन 2019 एंड आई ओके, प्रिपेयर्ड फॉर CMA फाउंडेशन ऑन 19 दिसंबर 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 2019। ओके। सो यू हैव कंप्लीटेड योर CMA फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट? या आई कंप्लीटेड फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, इवन फाइनल ऑल्सो इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके ग्रेट। सो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव डन इन योर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट योर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, देन वी विल मूव टू फाइनल इन सेपरेट पार्ट। ओके, सो हाउ यू हैव डन योर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजीज एंड ऑल दीज थिंग्स, यू कैन डिस्कस इट? तो बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th आई जॉइंड वन व्हाट आई कैन से वन इंस्टीट्यूट दैट इज एक्सेल फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। सो देयर आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय CMA फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आई कंप्लीटेड द होल सिलेबस फॉर CMA फाउंडेशन। आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर इट, बिकॉज CMA फाउंडेशन वाज टोटली ऑब्जेक्टिव ऑन दैट टाइम। टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर वॉज देयर एंड वी हैव टू गो फॉर फिजिकली वी हैव टू गिव द एग्जाम। सो बेसिकली द प्रिपरेशन वर टफ ऑन दैट टाइम। सो आई यूज टू डू वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आई यूज टू फर्स्ट एनालाइज द थिंग्स। लाइक आई हैव टू बाइफर्केट द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट दिस विल बी द ए ग्रेड कैटेगरी कोर्स, दिस विल बी द बी ग्रेड चैप्टर, दिस विल बी द सी ग्रेड। सो ग्रेडिंग हेल्प्स मी टू कोप अप। ओके, यू हैव डन द ग्रेडिंग सिस्टम एंड बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? Basically, once I completed the course, I go thoroughly.
afterwards three times. I used to practice three times. First one is when you go through the course for the very first time, afterwards revise it. Mm-hmm. Okay. So, and afterwards, before 2 months or from the exam, you have to revise second twice. Then afterwards, you have to revise once, final time. Three times totally I have to revise. Great. So after it, when you have completed your intermediate, then it's time to join your internship. So where you have done your internship and how, what you have learned during your internship? Okay. So basically, I joined a CA firm, chartered accountant firm, for my internship. And there, I have exposure in the field of GST and income tax. I used to file GST returns and income tax. So basically, if I say internship helped me a lot in which way, like for improving my collaborative skills, for improving my professional behavior, for improving my skills in a different level, like how I have to deal with the things, how I have to deal with the clients, how I have to deal with the people, how I have to deal with the colleagues, likewise. Yeah. So you have done many things during your internship, and after it, when you started your final preparation, so have you started with your internship, your final preparation, or after completing your internship? At that time, when I was doing internship, I used to prepare for one or two subjects along with going for my internship. So basically, I started from one subject, and I did internship for a period of 7 months for work from office. Okay, afterwards I took work from home. So I used to basically file GST returns and income tax return, which will be monthly filing. Okay, so I used to prepare for CMA finals after my internship. So when you appear for a final examination again, you have appeared for both group, right, in your final. So how you manage all the 8 subjects, because all the exams on a single day, there is no gap between one exam to another exam. So for last paper, you have not read that particular subject from last 8 days. Okay. So how you manage the entire your 8 subjects during your final last exams? Basically, there is one strategy which I have followed during my CMA journey. एक ही स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, लाइक 8 सब्जेक्ट्स होते थे, 8 में से जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे काइंड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे. तो वो जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते थे ना, वो उसे उसे मैं हर दिन पढ़ा करती थी. तो जो वो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे थे जैसे अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी वो आपके यहाँ पे रहता है, ठीक है. तो जो 8 सब्जेक्ट्स है, मैंने ऐसा एक टाइम टेबल बनाया था जिसमें हर दिन मैं वो 8 सब्जेक्ट कवर कर लेती थी. लाइक सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर 1 घंटे जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा फेवरेट है उस पर अगर हम कम भी मेहनत करें तो वो हमको अच्छे से बनेगा. लेकिन जो हमारा फेवरेट नहीं है उस पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. और जैसा कि आपने बोला कि बैक टू बैक एग्जाम हमको 8 डेज देने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही मस्त सा ट्रिक यूज किया था. वो ये था कि जब एग्जाम होते थे उससे पहले ना एक मैराथन आती यूट्यूब पे, आप देखते, आप सभी लोग अगर यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों ने फॉलो किया होगा, एक मैराथन आती है नेक्स्ट डे एग्जाम में. तो वो मैराथन आती है 2 आवर्स की, 4 आवर्स की, 6 आवर्स की. तो अगर आपको नेक्स्ट डे एग्जाम देना है ना तो आपको वो मैराथन देखना चाहिए. अगर आप मैराथन देखते हैं तो वो आपके माइंड पर रहता है. और जैसे कि सर का एक क्वेश्चन भी था कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पिछले 8 दिन से नहीं पढ़ रहे हो और फिर उस दिन एग्जाम है तो क्या होता है ना, हम स्टूडेंट्स हैं. और बेसिकली इफ मेरी बात करें तो ऐसा होता था कि यार मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी, वो एग्जाम मैंने लिख लिया, उसके बाद मैं घर आके ना उसका जो भी डेटा था उस सब्जेक्ट का वो यहाँ से निकालती थी और अपने दिमाग को बोलती थी नहीं अब उसको हटा दे वहां से, अब जो नेक्स्ट पेपर है उसका डेटा डालना है. तो ये मेरे को बहुत हेल्प करता था कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल लाओ कि नहीं कल इसका एग्जाम है, तुमको इसके बारे में ही सोचना है. क्योंकि एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. एग्जाम में क्या होता था, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं एसपीएम बीवी के कंसेप्ट एसएफएम में मिक्स कर देती थी कि ये एसपीएम बीवी में था कि एसएफएम में था. तो इस चक्कर में मुझसे बहुत सारे मिस्टेक्स हुआ करती थी. और जो चीज मुझे हेल्प की है वो है बहुत ज्यादा सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद को एसेस करना. आप जब भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पहला तो ये कि आप उस एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उनको आप सॉल्व करिए. और दूसरा तो ये है कि आप ना कॉम्पिटिशन करिए.
मतलब आपके जो साथ में लोग पढ़ते हैं आप उनसे कम्पीट करिए। अगर आप उनसे कम्पीट करते हैं ना तो आपके अंदर एक बोलते हैं ना एक चीज, एक चिंगारी आती है कि नहीं यार मेरे साथ में उसने शुरू किया था अब वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो जब ये वाला चीज आता है ना यार कि वो मेरा दोस्त है और वो मुझसे आगे निकल जाएगा, तब लगता है नहीं मुझे भी पढ़ना है और हम साथ में आगे निकलेंगे। तो ये बहुत हेल्प करता था, मतलब मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे मोटिवेशन आता था कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये बहुत हेल्प किया मुझे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जब फाइनल का रिजल्ट आया था, वो दिन की फीलिंग कैसी थी उस दिन की? अच्छा तो मैं सच बता देती हूँ हुआ क्या था। जब मैंने फाइनल का एग्जाम दिया था तो मेरा एक एग्जाम होता है CFR, आप लोग फाइनल में आएंगे सबको पता होगा, या जो फाइनल में होंगे उनको पता है कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक सब्जेक्ट होता है। तो CFR का जो पेपर होता है ना वो CME के आप पूरे हिस्ट्री में देख लो कभी भी अच्छा नहीं आता है, या कभी भी किसी के मुंह से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार मेरा CFR का पेपर अच्छा गया। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा CFR का पेपर जो था वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या ही कह सकते हैं वाला था। तो मुझे बहुत स्ट्रेस था मेरे फाइनल के रिजल्ट्स को लेके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस था। तो इतना स्ट्रेस था ना कि मैंने नवरात्रि के 9 दिन का फास्ट रख लिया था, और जो हमारा रिजल्ट आया था वो था 7th day। तो ऐसा हुआ था, रिजल्ट जो आया था शाम की 5:30 बजे हमारा रिजल्ट आया था। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं नवरात्रि का फास्ट था मेरा, तो मैं अपने लिए ना खाना बना रही थी, ऐसे ऐसे कुछ भी कर रही थी। तो मैंने देखा मेरे फोन पे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे टीचर्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं। तो मैंने बोला चलो खाना बना लेते फिर उठाऊंगी, बट नहीं रहा गया मुझसे। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला यार तूने रिजल्ट देखा क्या? तो मैंने बोला नहीं यार तेरा क्या हुआ? तो उसने बोला नहीं हुआ मेरा तो नहीं निकला। तो मेरे को डर लग गया कि नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरी एक और फ्रेंड का कॉल आया, उसने पूछा यार तूने रिजल्ट देखा क्या? मैंने बोला नहीं यार मैंने नहीं देखा। तो मैंने पूछा तेरा क्या हुआ? तो उसने बोला मेरा भी नहीं निकला। तो ऐसा डीमोटिवेशन मुझे आ गया था उस टाइम पे कि यार इसका नहीं हुआ, ये तो टॉपर थी, इसका भी नहीं हुआ, ये भी टॉपर थी, तो मेरा कैसे हो सकता है? फिर मैंने खुद को बहुत समझाया और मैंने जब रिजल्ट देखा तो उसने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब जो मेरी फीलिंग थी ना मैं इतना चिल्लाई कि पापा जो रूम में सो रहे थे वो बाहर आके पूछते क्या हुआ तुझे। मैं बोली पापा मैं CMA बन गई, और मैं इतनी खुश थी कि मैं जमीन में कूद रही थी, और उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया रात। मतलब इट वॉज द डे जब आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी खुशी हो रही राइट राइट। मैं है, पता है, बहुत ज्यादा खुशी मेरे होती जिस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला होता था, उस दिन पहले रिजल्ट आने के टेंशन में मैं खाना नहीं खाता था, और फिर पास होने की खुशी में खाना नहीं खाता था। तो पूरा मेरा भी ऐसे निकल जाता था। बहुत मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग होती है उस दिन। तो बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट देर इज ए नेक्स्ट चैलेंज एंड टारगेट फॉर यू कि वॉन्ट ए गुड जॉब इन CMA कैंपस। सो हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट? इन विच कंपनी इज शॉर्ट लिस्टेड एंड हाउ गिव योर इंटरव्यू इन दैट कंपनीज? तो बेसिकली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे, तो मेरा मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग हो गया था। ठीक है, तो फिर रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा एक मैं टिप सबको देना चाहूंगी कि यार अगर आप CMA का फाइनल का एग्जाम क्लियर भी कर देते हो ना तो फिर भी अपने ना पढ़ाई को मतलब बुक्स से ना दूर मत हो, बुक से कनेक्टेड रहो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत माइनर सी चीज पूछी गई थी मुझसे, ये मुझसे क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे, या मैंने आंसर क्यों नहीं दे पाई। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने जितने भी ऑनलाइन जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो सब प्रिपेयर करके गई थी। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, मैंने ग्रुप डिस्कशंस किए थे दोस्तों के साथ, साथ में मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि आप मेरा इंटरव्यू लो। मैंने ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, और साथ ही साथ जितने भी स्टडी मटेरियल थे मैंने थॉरली सबको एक बार ओवरव्यू सबका लिया था कि यार इसमें से ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली हेल्प करते हैं, ऐसा है। सो व्हाट आर द अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट विच नीड फॉर ए कैंपस प्लेसमेंट, लाइक कम्युनिकेशन स्किल और एनी अदर थिंग विच यू वॉन्ट टू हाईलाइट? तो बेसिकली whenever a student is going for an interview or whenever you are going for an interview, the most important thing is your personality.
हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट यूर सेल्फ इन दैट इंटरव्यू. मतलब सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है. अगर आप अपने इंटरव्यू में जाके उसको आंसर आप दे रहे हो, अगर आप वहां पे झूठ भी बोल रहे हो ना, तो इतने कॉन्फिडेंटली बोलो कि सामने वाले को लगे नहीं आप सच ही बोल रहे हो. मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कॉन्फिडेंट होना, कि आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस आई कैन डू इट. दूसरा चीज जो मैं बोलूंगी वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू आपको प्रॉपरली अपने जो भी आपके कम्युनिकेशन जो भी आपको कम्युनिकेशन में लगता है कि ये चीज में मैं लैक कर, जैसे आपका वोकैब हो गया, आपका एक्सेंट हो गया, उससे उस पर आप थोड़ा काम करिए, थोड़ा आप इम्प्रूव करिए. और इसका एक जो मेथड है वो ये है कि आपके जो भी सराउंडिंग्स में जो भी लोग है उनसे आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करो. बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे भी आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ना फोकस करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. सो कम्युनिकेशन स्किल है एक तो आपका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा जो है कि आपका जो माइंड है ना उसको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में लेके आना, कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना. अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो ठीक है, और अगर आप इंटरव्यू में पॉजिटिवली गए हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको आप सच में देखना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू है ना बहुत अच्छा जाएगा. मतलब ऐसे अंदर से डरने का नहीं है, कभी भी इंटरव्यू दोगे तो हमेशा सोच के जाओ कि यस आई कैन डू इट, आई नो व्हाट टू से, आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा. So, what are the questions they have asked in your interview in Coca-Cola and how मतलब कितने सारे rounds थे वहाँ पे? Okay, so basically there were 40 students who have shortlisted in Coca-Cola company. So first of all, there is one group discussion round जिसमें 10-10 लोगों का एक एक group discussion रखा गया था. उसमें group discussion में भी जो topic था तो वो core finance related एक topic हमको दिया गया था कि वॉट आर दी ट्रेड्स ऑफ अ फाइनेंस इंडिविजुअल. तो फिर इस ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, वापस से कट ऑफ किया 3-3 स्टूडेंट्स को, तो ओवरऑल फिर 12 स्टूडेंट्स हो गए. फिर 12 स्टूडेंट्स की एक इंटरव्यू ली गई, जिस इंटरव्यू में हमसे अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिंदल एंट्रीज से रिलेटेड, कॉस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो भी कॉस्टिंग में मैथड्स हैं, टाइप्स हैं उसके, और बाइफर्केशन पूछा गया. तीसरा जो था वो बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमको पूछा गया था, जो कि बहुत ज्यादा केस स्टडी बेस्ड था. बिकॉज हम जिस लोकेशन के लिए अपॉइंट हो रहे थे वो प्लांट लोकेशन, और प्लांट लोकेशन में आपका कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी होता है. तो इसलिए मुझे केस स्टडी के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. एट दी एंड उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स यू. तो ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आप सबको प्रिपेयर करना चाहिए. वो पहला यही है कि व्हाट मोटिवेट्स यू, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है, व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ, हाउ यू काम योरसेल्फ, इस सब के क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे कि तुम अपने लिए क्या क्या करते हो. तो इस सब के बेसिक क्वेश्चन जो थे आपको प्रिपेयर करना चाहिए. और उसके बाद एक राउंड था हमारा जो कि था एचआर राउंड, जिसपे अपन जो 4 लोग सिलेक्ट हुए थे 12 में से 4, उनका एक एचआर राउंड हुआ. फिर उन्होंने फाइनली 2 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें से एक मैं थी. सो व्हेन डिड यू गेट योर ऑफर लेटर, व्हाट वाज योर रिएक्शन? द रिएक्शन वाज लाइक दैट कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ. लाइक बचपन से ना मुझे ऐसा था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है ताकि मैं खुद के सपने पूरे कर सकूं, खुद के शौक पूरे कर सकूं. जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ही स्कूटी ले ली, तो वैसे ही मेरी एक ना बहुत लंबी लिस्ट है कि मुझे अपने लिए क्या क्या करना है. तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन, इसी बात की खुशी थी कि चलो अब मेरी स्कूटी आ जाएगी, अब मेरा आईफोन आ जाएगा, अब मैं मालदीव घूमने चली जाऊंगी. तो जो पूरी लिस्ट मैंने बनाई थी ना उसको एक फुलफिल करने का खुशी था. दूसरा खुशी इस बात का था कि अभी तक मैं घर से ऐसे मनी हमको मिलता था घर से, अब मैं घर पे मनी दूंगी. तो एक इस बात की भी खुशी थी कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ कर सकती हूँ. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी. और एक चीज थी ऐसा था कि मेरे पूरे फैमिली में कोई भी ऐसे मतलब किसी भी फीमेल को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि क्योंकि ऐसा होता था कि लोग बाहर पढ़ने भेज तो देते थे बट वो लोग सक्सेसफुल मतलब जल्दी से नहीं हो पाते थे. तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी थी कि मैं पहली फीमेल लड़की घर से बाहर गई और इतनी जल्दी सक्सेसफुल भी हो गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगा.
जब आपके पेरेंट्स को मालूम चला कि आपका सिलेक्शन कोको कोला में हो गया है, एंड आई थिंक आपको ऑफर, पैकेज ऑफर क्या था कोको कोला का? 10 लाख्स, 10 लाख्स. 10 लाख्स सो फिक्स। सो उनका रिएक्शन क्या था उस टाइम? नहीं, उनका रिएक्शन तो ऐसा था, लाइक मेरी मम्मी सबको फोन कर करके बता रही थी कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, मेरी बेटी की नौकरी लग गई। और मेरे पापा सब जगह मस्त शो ऑफ कर रहे थे, अपने दोस्तों को बता रहे थे मेरी बेटी का नौकरी लग गया, मेरी बेटी का नौकरी लग गया। मतलब सब इतने खुश थे ना, बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि सबको मेरे से बहुत उम्मीदी थी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी भी हूँ। सबको लगता था कि हाँ चलो ये कुछ कर लेगी, ये कुछ कर लेगी। और फाइनली जब वो हो गया तो सब बहुत खुश थे। उस रात को नींद आई थी जब ऑफर लेटर हाथ में आया था? नहीं, बिल्कुल नींद नहीं आई थी। जिस दिन सीएमए का रिजल्ट अच्छा, आया था, रात को मैं 5 बार अपना रिजल्ट चेक करी कि ये मेरा ही रिजल्ट है, मेरे को ही कॉन्ग्रेचुलेशन से बोला गया है, मैं ही सीएमए बनी हूँ। मतलब यकीन नहीं होता है कि हाँ ये जो सपना था वो सच हो गया। तो ऐसा सच में होगा आपके साथ भी अगर आप सीएमए बन जाते हैं। जो भी व्यूअर्स हैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जब आप कर लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यकीन नहीं होता है कब ये सच हो गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे स्टोरी सुन के तुम्हारी. एंड बच्चों को कुछ टिप्स एंड सजेशंस देना चाहोगी? यस, बच्चों को एक ही मैं बहुत अच्छा सा टिप्स दूंगी आपको कि ना, पढ़ाई जब भी आप करो ना, तो ऐसा सोच के मत पढ़ो यार कि ना बहुत सिलेबस है यार, बहुत टफ है, एकदम पासिंग परसेंटेज तो बहुत कम हो गया। मतलब ऐसा सोच के मत पढ़ो कि ना बहुत ज्यादा है, इतना मेहनत है यार, घूमने नहीं जा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। मतलब ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। देखो, हमेशा कभी भी कुछ करें ना, तो हमेशा दो चीज सोचे। एक तो पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि हाँ तुम कर सकते हो। दूसरा, एक बैलेंस मेंटेन करो। लाइक ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे में बैठ के 15 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। तुम मस्त 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे घूमो फिरो, मस्त खाओ, दोस्तों से बात करो। जब तुम ऐसे पढ़ना शुरू करोगे ना, तब तुम जल्दी ग्रो करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा माइंड भी एक ही चीज में फोकस नहीं कर पाता, उसको भी चाहिए। जैसे हर एक इंसान को अपनी थाली में दाल चावल सब्जी अचार चाहिए ना, वैसे हमारी माइंड को भी, पढ़ना लिखना हंसना कूदना इवन फोन चलाना, माइंड को भी सब चीज चाहिए। तो वो मेंटेन करो तुम। अगर तुमको भी सिर्फ दाल चावल या सिर्फ दाल दाल देंगे तो तुम खाओगे क्या? नहीं। वैसे भी हमारे दिमाग को एक्सरसाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो, बिल्कुल घूमो, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन पढ़ाई को ऐसा होता है ना, प्रायोरिटी सेट करना चाहिए आपको कि पढ़ाई मेरी पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी मेरा मोबाइल है, मेरा गेम है, या किसी की गर्लफ्रेंड है। तो वैसा सेट कर लो तुम, तो उससे तुम जल्दी ग्रो करोगे। यू कैन बी ए गुड टीचर ऑल्सो, डू यू नो? ओके, थैंक यू. सो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी, एंड होप सो कि सारे स्टूडेंट्स भी इसको एंजॉय करें. इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा इस स्टोरी को देखने के बाद हमारे व्यूअर्स को. थैंक्स अगेन कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, एंड मैं आप श्योर, मैं ओके करूंगी शेयर, बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय, ओके, एंड टेक केयर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू रोहन सर।